मोना जी, पहले तो मैं पूरे बिहार गवर्नमेंट और हॉकी इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं और अब मेरी पूरी टीम, मेरी फैमिली की तरफ से भी, क्योंकि बहुत कम कोचेज को ये मौका मिला है कि अपने जन्मभूमि पे इस टाइप का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें। मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्वर्गीय कौशिक भाई साहब एंड भास्करण साहब को ये मौका मिला होगा। मैं करंट में जो जी अगर देखता हूँ तो, और बिहार में इसलिए मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे तो नेशनल चैंपियनशिप कभी नहीं हुई और सीधे जी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है। तो डोमेस्टिक से को छोड़िए, हम इंटरनेशनल का, वो भी एक मेरे जैसे कोच को मिला, जो कि बहुत सालों से मैं लगा था बिहार हॉकी के लिए कुछ बातें होती थी, लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत इमोशनल मेरे लिए तो है ही, लेकिन साथ में एक उसके साथ दायित्व भी है, क्योंकि जब आप जन्मभूमि में करते हैं तो बहुत सारा एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट होता है, सब कुछ होता है। लड़कियां, सबसे बड़ी बात है, जब मैंने बात किया तो सभी कह रहे हैं कि सर ये तो आपका जन्मभूमि है और कर्मभूमि तो आपका डिफरेंट एरिया बहुत जगह रहा, लेकिन ये जन्मभूमि जी पहली बार आप आए हैं। तो मैंने कहा आप ही लोगों की तरह मेरे को भी पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेट्स सेलिब्रेट विद द गुड रिजल्ट। एंड मेरे ख्याल या से बहुत बड़ी चीज होगी कि यहाँ पे हम लोग एक अच्छा नोट से इस टूर्नामेंट को खत्म करें, जिससे कि एक पॉजिटिव नोट होगा। सेकेंड जो आपका है कि यह सेटबैक जो भी था वो एक पास हो गया है, मेरे को ऐसा लगता है। इस टीम का जो टीम का एक बॉडी लैंग्वेज है, एक जेल है टीम के, आपस में बहुत सारी चीजों को एड्रेस किया हम लोगों ने, जो सेटल हुआ। एंड थैंक्स टू द टीम एंड टीम मैनेजमेंट, मेरे ख्याल से एवरीवन प्ले देयर रोल एंड उसमें एवरीवन नो देयर रोल आल्सो। तो आई थिंक द एशियन चैंपियन ट्रॉफी फॉर अस एज ए टीम इज अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म टू एक्सेल एंड शोकेस देयर स्किल एंड ऑल्सो वट वॉज द मिसिंग। एटलीस्ट द पीपल जी दोज हॉकी दे कैन अंडरस्टैंड, यस दिस टीम इज ऑन द राइट पाथ। जी आई हैव अ क्वेश्चन फॉर सलीमा टू. सलीमा, एज अ कैप्टन, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है आपके लिए. नई बिगिनिंग है, नई वेन्यू है, मैचेस के टाइमिंग भी चेंज हो गए हैं. तो अभी और कौन से कि इंडिया को चैलेंज मिल सकता है, इंडिया को चुनौती दे सकती है जो टीम है. बिल्कुल, मेरा जैसे कैप्टनशिप का ये फर्स्ट है जो इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहा है और मेरा फर्स्ट टाइम है मेरा कैप्टनशिप का, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि मतलब इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहा है और मैं लीडरशिप का ये एक होता है ना कि मैं एक टीम को लीड कर रही हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. और जैसे आपने बोला कि मतलब मेरे लिए तो ये चीज थोड़ा नर्वस भी हूँ, पर कभी कभी होता है मैच में, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इन टीम को लीड कर रही हूँ और मेरी टीम काफी ज्यादा भी खुश है कि मतलब हम इस राजगीर में और हमारा सेकेंड टाइम होम ग्राउंड में मैच हो रहा है, वो भी सर का होम ग्राउंड में, तो हम बहुत खुश हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं कि इस टूर्नामेंट को हम अच्छी तरह से फिनिश करें. और जो भी हमारे जैसे मैच आ रहे हैं, जैसे अभी मलेशिया है हमारा फर्स्ट मैच, तो पर हम एक प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे प्रेस करेंगे, तो मतलब सारा चीज अभी हमारा कल के लिए तैयारी चल रही है, तो हम सारे रेडी हैं और फाइनली ये टाइम भी आ गया दिखाने के लिए कि मतलब हम फिट हैं और सारे अभी एक दूसरे को एक एक टीम की तरह सबको अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी जूनियर्स आए हैं वो भी अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है. जैसे सुनीलिता हुआ, ब्यूटी हुआ, ये लोग सारे जूनियर्स हैं, जैसे मनीषा हुई, तो मतलब जैसे दीपिका लोग ट्रैकर्स हैं, तो हमारी काफी ज्यादा हेल्प हो गया अभी इस टूर्नामेंट में. और ये प्रिपरेशन का भी टाइम है कि मतलब हम इनसे अच्छा मैच खेलेंगे तो आने वाले दिन में हम अच्छी टीम के साथ और अच्छी फाइट कर सकते हैं. सर, आपको किन टीमों से चैलेंज लगता है तो सलीमा? सारी टीम है, वैसे तो चाइना है पर हम सारे टीम को लेके चलते हैं, जैसे मलेशिया भी है, जैसे कोरिया है, थाईलैंड है, जापान है, चाइना तो है ही, पर सारे टीम अभी कि जैसे गेम में है सर इतना फास्ट हो गया, तो सारे टीम है हमारे लिए. थैंक यू. विग्नेश, यू कैन गो नेक्स्ट प्लीज. हेलो, या थैंक यू सो मच सर. फर्स्टली विशिंग यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर द टाइटल डिफेंस. एंड ऑल्सो सर, इंडियन वुमेन्स हॉकी यू नो हैज नॉट बीन इन रियल गुड शेप इन द रीसेंट पास्ट, फेलिंग टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स एज वेल एज ऑल्सो दिस ईयर. यू नो देव बीन लिटल अप एंड डाउन, लूजिंग क्लोज टू 13 गेम्स इन द द एफएच प्रो लिंक आई लीग. थिंक, सॉरी, कैन यू आई एम रिपीट ऑडिबल? अगेन?
Yeah, sure. So the Indian women's hockey team has not been in real good shape recently. They've also lost close to 13 games in the FIH Pro League, if I'm not. So how do you come out of this hole mentally and prepare for what's ahead? And also with the pressure of being India being tagged as the defending champions for this league. So further, Vignesh, thank you very much. I think this is a very good question you have asked me. So first Thank of you. all, Yeah. whatever happened in the happened, and that's a past. We cannot go keep crying of the past, whatever happened. Yes, we know we lost 13 games, but there's many reasons, and the reasons is not about the technical things. It's a tactical things, fitness wise, the mentally how you cope up with after not qualifying for Paris, and that's what one of Okay. setbacks the girls used to carry, and that's one of the reason why I took them in the NIA in the Navy ground, because that's where they learn in the minimum resources, maximum output, how we can go, how can gel with each other and help to come out with those setbacks. And that's why we are a human being. And for me, the best thing was the girls understood, they discussed themselves. Only Yeah. we are here to help them to how to come out with that. And I think they have come out immediately after the second leg of Pro League when we reached in the London. And I told them very Yeah. clearly, I'm not looking the result, I'm looking the process, I'm looking the improvement day by day you are going to do. And if you see the last two, three games which we play against the Germany and England, we were very close to win those matches. So that's where I think the cushion and that confidence these girls has. Yes, if you improve some of the area, we are very much competitive. And those don't forget also, those teams are in the Olympic and they were already super fit for the preparing for the Olympic. It's a different Right, kind right. of whole game. And Yes, then we came absolutely. and we did with the NIA, and then we start working on the fitness and the technical, the mental aspects. And also we involve the player has to vocal. I love the my girls should be challenging me and ask the many questions. That's one of the things is was missing. But I'm glad now that I'm not saying the 100%, but the 60 to 70% I achieved my target. They start questioning me. They are asking the question, and that's good things because the questioning is a learning process. If you don't question, we don't know whether you have understood or idea or not. So I think that's one of the area we have changed. When you start questioning, then you start solving the problem to yourself. And I think that's the confidence I can see in this team. And I expect this is going to be visible in the this competition because that's a base for me for the 26 and 28. Yeah, so the main, to sum it up, it is about the fitness and as well as trusting the Fitness process. yeah. Yeah, is a fantastic. paramount. You cannot modern hockey, you cannot compromise on the fitness. If you have slightly that, then you are going to pay the price. And once you are fit, you are mentally strong because you know if you lose the ball, you have the gas in the your leg where you can chase and again regain the ball in the 5 to 6 seconds. And that's what we want. Yeah, oh, fantastic. Thank you. Thank you so much, and all the very best. Thanks. Shashanta, you can go next. Hello. हेलो हेलो सर, हाँ मेरा ऑडियो अवेलेबल हो रहा है। हाँ यस 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 मेरा सवाल कोच से है। कोच एक्चुअली अभी जैसे चाइना और जापान ने लास्ट ओलंपिक खेल के आए हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी था। लास्ट अगर हम लोग क्वालिफाइंग मैच में देखे तो जापान ने रांची में इंडिया को हराया था, तो टीम में कोई ड्रैग फ्लिकर नहीं है, तो किस तरह से आप मैच को देखेंगे? इस नया ग्राउंड, नया क्राउड, किस तरह से आप मैच को लेके जाएंगे और अच्छे टीम जो है साथ? यस पहली बात तो है कि जो पास्ट में क्वालिफाई नहीं किए मेरे ख्याल से उस पर मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि तो वो एक मेरे लिए हिस्ट्री है। मेरे लिए बॉल टू बॉल मैं खेलता हूँ और वही मैं लड़कियों को सिखाता हूँ, ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट। एंड प्रेजेंट ये है कि हमारे हाथ में एक एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है जो उस सेटबैक से हम लोग पूरे हिंदुस्तान को बाहर निकाल सकते हैं कि क्योंकि हिंदुस्तान के जितने फैंस हैं, हॉकी लवर्स हैं, वो एक कहीं ना कहीं इस टीम को बिहाइंड द सीन सपोर्ट किए हैं, तभी हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इतनी लार्ज पब्लिक आके देख रही है इस गेम को, तो उसके लिए जरूर हम तैयार है। सेकेंड जो आपका ड्रैग फ्लिक है, मेरे ख्याल से मैं कॉन्फिडेंट हूँ जितना मैंने लास्ट 4 महीने में काम किया है। दीपिका एंड द न्यू गर्ल्स जो इसके लिए एक बड़ा टूर्नामेंट होगा, मनीषा चौहान, आई थिंक दिस टू गर्ल्स आई एम वर्किंग ऑन द ड्रैग फ्लिक एंड आई एम कॉन्फिडेंट दे विल डिलीवर व्हेन द टीम रियली रिक्वायर्ड। थैंक थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यू थैंक यू। विनायक, यू कैन गो नेक्स्ट प्लीज।
थैंक यू कोच, ऑल द बेस्ट. विनायक बोल रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस से. मेरा क्वेश्चन सालिमा से है. सालिमा, ऑल द बेस्ट फॉर योर लीडरशिप. मेरे क्वेश्चन, आप कोच ने अभी बताया वो कैंप के बारे में जो नेवल एकेडमी में हुआ था, उसके बारे में आप बता सकते हैं प्लेयर पर्सपेक्टिव से कैसा था वो कैंप, क्या क्या सीखने को मिला आपको? कोच बताए थे मुझे कि थोड़ा पहले 2 दिन थोड़ा नर्वस थे लोग और उसके बाद बहुत सारा सीख मिला, उसके बारे में आप एज ए कैप्टन बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सबसे तो थैंक यू एंड हॉकी इंडिया, क्योंकि हमने पहली बार जैसे नेवी गए थे तो हमें उतना ज्यादा पता कि मतलब क्या हो क्या नहीं, बस हम ऐसे गए, मतलब कुछ ऐसा माहौल हम उतना ज्यादा कोई भी नहीं देखे थे होंगे इतना, मतलब डिसिप्लिन के साथ। और वहां जाने के बाद पता चला कि मतलब एक एक सेकेंड मायने रखता है अभी, तो उनसे हम यही सीखे कि मतलब उनका डिसिप्लिन, जैसे उनका टाइम से आना जाना, ये चीज बहुत अच्छी थी। और हॉकी इंडिया कुछ सोच के हमें वहां भेजा था होगा, और बहुत कुछ हमने वहां से सीख के आया। अगर हम एक टीम के साथ हैं तो हमें किसी भी प्लेयर को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, अगर एक पीछे सारे पीछे हैं, हम एक एक प्लेयर को हम पकड़ के अपने साथ लेके आने का ये हमारा चैलेंज था कि मतलब जो कोई भी पीछे रह गए उसको हम छोड़ के नहीं आएंगे, हम साथ में लेके आएंगे। मतलब जितना भी वहां जाते थे, जैसे सुबह में भी वर्कआउट होता था तो मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था कि मतलब सब कुछ टाइम से होता था, जैसे लंच हुआ डिनर हुआ सब कुछ टाइम से होता था। और वहाँ टाइम नहीं मिलता था कि मतलब हमें फोन यूज करना है या नहीं, तो ये चीज हम बहुत कुछ सीख के आए हैं। और हमारा यही है कि हमारा एक चैलेंज था कि हम इतना चैलेंज हम फेस करते हैं तो इस टूर्नामेंट को भी एक चैलेंज की तरह हम फेस करेंगे। यही सीखा है कि हमें गिव अप नहीं करना है, और हमारा एक एक सेकेंड मायने रखता है कि हम क्या चीज कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो ये चीज हमें बहुत बड़ी हमें मिली है, हमको इस टूर्नामेंट में पूरा अप्लाई करेंगे। विराज, इफ आई कैन आस्क वन मोर. श्योर यू कैन। हाँ, सलीमा, आप कैप्टन कर चुके हैं ऑलरेडी प्रो लीग में, पर ये जैसे सर बोले, ये पहले बहुत लाइक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है आप लोगों के लिए. कभी सोचा है आपने सिमडेगा में जब आपने हॉकी शुरू किया कि कैप्टन करेंगे, और कैसा लग रहा है वो फीलिंग कि आप अभी इतने आगे आ चुके हैं जहां से आपका शुरुआत? बिल्कुल, जैसे मुझे ये कैप्टनशिप का लीडर मिला है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और ये चैलेंज लेके मैं फेस करती हूँ कि हाँ मुझे कुछ मतलब एक कैप्टनशिप मिला है तो मैं एक्सेप्ट करके इसको मैं फॉरवर्ड देखती हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग को ये चांस मिलता है। तो मुझे ये चांस मिला है तो मैं अपनी टीम को पूरी तरह से हेल्प करूंगी। पर मेरा कैप्टनशिप का रोल यही है कि मैं अपना टीम को जैसे ग्राउंड में, जैसे मेरा ऑन फील्ड, जैसे अपनी टीम के लिए परफॉर्म, अगर मैं टीम के लिए परफॉर्म जी करूँ तो मेरी टीम को काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो यही है कि मतलब मेरे लीडर होने के बाद टीम बहुत कुछ अलग है, तो ये चीज बहुत अच्छी बात है। जैसे सर भी बोलते हैं कि मतलब हमारी टीम एक ग्रुप है, तो हम उस ग्रुप को हम कैसे अपने, जैसे 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी तैयारी हो रही है और काफी ज्यादा अच्छे से हुआ है। और मेरे कैप्टनशिप का यही है कि मतलब मैं अपना जॉब करूं, और फिर मतलब जो भी मेरे, जैसे मेरे पीछे जो भी खेलते हैं वो मुझे हेल्प करे, तो यही है कि हम एक दूसरे का हेल्प करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ. थैंक थैंक यू। यू. अवनीत कुमार झा, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज. खबर फास्ट बिहार से अवनीत कुमार झा. एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया? सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई थिंक वी आर डन हियर. थैंक यू एवरीवन. थैंक ऑल द बेस्ट सर. यू. आप सबका राजगीर में स्वागत. ऑल द बेस्ट।